हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद स्वाति ऑन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका पेपर टू है, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की। तो यहाँ पर हम यूनिट फर्स्ट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं, यानी एमसीक्यूज हैं ये आपके। इसके प्रीवियस वीडियो की बात करें तो हमने इसके पार्ट वन में लगभग 38 क्वेश्चंस को लेकर के बात की थी। आज के इस वीडियो में हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद आपकी यूनिट टू शुरू कर दी जाएगी। तो कोशिश यही है कि आपके एग्ज़ाम से पहले सभी सब्जेक्ट में सभी यूनिट्स कंप्लीट करा दी जाए। बात अगर हम करें फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की, तो वहाँ पर आपकी यूनिट फर्स्ट और सेकंड उन दोनों को कंप्लीट करा दिया गया है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट विज़िट करें, वहाँ पर आपको लाइन से सभी सब्जेक्ट के लगभग एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे, यानी इनोवेशन इन एजुकेशन के भी कुछ वीडियोस मैंने डाले हैं। अभी ज़्यादा नहीं हो पाए क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के काफ़ी सारे यूनिट्स कंप्लीट कराने में इंग्लिश वाले रह गए, तो अब पूरी कोशिश है जो भी बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम वाले, उनके भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज और यूनिट वाइज कंप्लीट करा दी जाए। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर यूनिट फर्स्ट पार्ट टू में पूरी तरह से कंप्लीट कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को पार्ट टू से। तो यहाँ पर पार्ट टू का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ। तो यहाँ पर फिजिकल ग्रोथ पूछी है चाइल्ड की, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है, हु इज़ द रिगार्डेड एज द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड। फर्स्ट टीचर कौन सा है बच्चे की, तो यहाँ पर फर्स्ट टीचर पूछा है बच्चे का, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका 40 का डी हो जाएगा, मदर। जो माता होती है, माँ होती है, वह बच्चे की पहली अध्यापिका या अध्यापक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है हमारा। 41 दिया है, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवे या डीवी, स्कूल इज़ अ, यहाँ पर आपको फिल करना है स्कूल इज़ अ, तो करेक्ट आंसर डी होगा, स्कूल इज़ अ सोशल। उसके बाद दिया है, इन सिचुएशन एंड एजुकेशन इज़ अ सोशल प्रोसेस। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा 41 का, करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है हमारा, विच इंडिकेट्स द चेंज इन द क्वालिटी और करेक्टर ऑफ अ चाइल्ड। क्वालिटी ऑफ करेक्टर पूछा है चाइल्ड की, तो यहाँ पर अगर हम बात करें 42 क्वेश्चन की, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डेवलपमेंट में ये दोनों चीज़ें देखने को मिलेगी, एक बच्चे की क्वालिटी और करेक्टरिस्टिक्स, ये दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 दिया है, नेचर ऑफ चिल्ड्रन आर लाइक, यानी बच्चे की प्रकृति पूछी है किस तरह से होती है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 43 का सी हो जाएगा, एमिटेटिव या एमिटेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 द रोल ऑफ अ टीचर हैज़ टू बी। NCF 2005 के अकॉर्डिंग टीचर का रोल पूछा है, तो यहाँ पर 44 की बात करें तो करेक्ट आंसर 44 का सी हो जाएगा, फैसिलेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 देख लेती हैं। 45 पूछा है, द डिफरेंट पीपल रिएक्ट डिफरेंटली टू द सेम सिचुएशन, दिस इज रिफर्ड टू एज। तो यहाँ पर 45 की बात करें तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रन आर करेक्ट। बच्चे के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो 46 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी बी, चिल्ड्रन आर प्रॉब्लम सॉल्वर। सी है, चिल्ड्रन आर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स। डी है, चिल्ड्रन आर एक्टिव एक्सप्लोरर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 46 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 है, हैविंग अ डिवर्स क्लासरूम विथ चिल्ड्रन फ्रॉम वेरिड सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स इनरिचस द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, दिस स्टेटमेंट इस। तो यह स्टेटमेंट पूछा है करेक्ट है या इनकरेक्ट, तो यहाँ पर 47 की बात की जाए तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा,
बी में दिया है करेक्ट, बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मैनी स्किल्स फ्रॉम देयर पीयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। क्वेश्चन नंबर 48 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू इनकरेज कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट इन स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 48 क्वेश्चन की, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गिव स्टूडेंट्स मल्टीपल एग्जाम्पल्स एंड इनकरेज देम टू यूज रीजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, एडोलेसेंट्स में एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ई हो जाएगा, फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा है, ग्रोथ इज, यहाँ पर आपको फिल करना है, वेयर एज डेवलपमेंट इज, फिर यहाँ पर फिल करना है इन नेचर। तो ग्रोथ इज, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव एंड वेयर एज डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव इन नेचर। तो करेक्ट आंसर 50 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, ह्यूमन डेवलपमेंट हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग फोर डोमेन्स। तो यहाँ पर 51 की बात करें तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, फोर डोमेन्स आर फिजिकल सोशल कॉग्निटिव एंड इमोशनल। करेक्ट आंसर यहाँ पर 51 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 पूछा है, टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हिज क्लासरूम अ टीचर शुड। तो यहाँ पर 52 की बात करें तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 52 का सी हो जाएगा, सी दिया है, इंगेज इन अ डायलॉग विच स्टूडेंट्स एंड वैल्यू देयर पर्सपेक्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। यहाँ पर 53 की बात करें तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, डेवलपमेंट इज़ अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस, जबकि ये क्वालिटेटिव प्रोसेस होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 54 देख लेते हैं, पीरियड ऑफ अ लेटर चाइल्डहुड इस मार्केट बाय। तो यहाँ पर 54 की बात करें तो यहाँ पर 54 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, स्लो एंड स्टडी फिजिकल ग्रोथ। करेक्ट आंसर 54 का बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा है, एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड रियली बिगेंस, कौन सा इसमें करेक्ट होगा स्टेटमेंट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 55 क्वेश्चन की तो करेक्ट आंसर बी होगा, वंस ही टेक बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 हमारा है, 56 पूछा है यहाँ पर, सोशल डेवलपमेंट ऑफ एन इन्फेंट डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव, यानी ए बी सी तीनों आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 देख लेते हैं। 57 पूछा है, ह्यूमन पर्सनालिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ, पूछा है कि ह्यूमन पर्सनालिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ, किसका रिजल्ट है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी अनुवांशिकता और वातावरण का इंटरेक्शन है दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 देख लेते हैं। 58 पूछा है, द मोस्ट इंटेंस एंड क्रूरल सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पर 58 की बात करें तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ड्यूरिंग एडोलेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 देखेंगे। 59 पूछा है, व्हाट फ्रीक्वेंटली हैपेंस बिटवीन एडोलेसेंट्स एंड पेरेंट्स, यानी एडोलेसेंट्स एंड पेरेंट्स के बीच में फ्रीक्वेंटली, सॉरी यहाँ पर दिया है, हाँ ठीक है, फ्रीक्वेंटली ही है, तो दोनों के बीच में पूछी है, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, दे वायलेट वन अनदर्स एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर 59 का बी रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम 60 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 दिया है, चेंज इन बिहेवियर रिमेट फ्रॉम, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा, लर्निंग एंड मैच्योरेशन बोथ इन इम्पॉर्टेंट और अमाउंट्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 60 का सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा है, द कंटेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इंक्लूड्स,
कौन सा यहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी इंक्लूड्स है, तो करेक्ट आंसर की बात करें 61 की, तो यहाँ पर बी हो जाएगा, वाइड रैंगिंग आइटम्स कंसर्निंग ह्यूमन मोटिवेशन एंड लर्निंग। यहाँ पर 61 का करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। कौन सा फंक्शन इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी नहीं है, तो यहाँ पर 62 की बात करें तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, तो डिफाइन द गोल्स फॉर विच एजुकेशन इज टू स्ट्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 देख लेते हैं। 63 पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कंसर्न टू एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, तो यहाँ पर 63 की बात करें तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, द डिस्कवरी ऑफ टीचिंग प्रोसीजर्स ऑफ मैक्सिमम इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट देखेंगे 64 यहाँ पर पूछा है, द प्राइमरी टास्क ऑफ द टीचर इज, कौन सा यहाँ पर टास्क है प्राइमरी टीचर के लिए, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बी दिया है, टू स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, जर्नल साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी आर डिससिमिलर इन दैट एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सेलेक्ट्स एंड इम्फेसिस सर्टेन डेट फ्रॉम जर्नल फील्ड। तो यहाँ पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई है। यूनिट फर्स्ट में लगभग 65 क्वेश्चंस थे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन से यूनिट 2 को शुरू करेंगे, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर चूँकि हमारे पास टाइम कम है, तो इसलिए चीज़ों को हम समझा नहीं पा रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ करके चीज़ों को बता दे रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो बता दे रही हूँ, कि आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही लगभग MCQs 100% है कि यहीं से पूछे जाएंगे, तो आप इसे अच्छे से पढ़ते जाइए, ठीक है, सेल्फ स्टडी ज़्यादा करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।